नमस्कार फ्रेंड्स, एके क्लास है जयपुर में आपका स्वागत है। आज हम 10th क्लास की मैथ शुरू करने जा रहे हैं, तो उसकी सबसे फर्स्ट चैप्टर है वास्तविक संख्या है। तो हम फर्स्ट चैप्टर शुरू करने से पहले फर्स्ट चैप्टर के बारे में कुछ बेसिक नॉलेज लेते हैं, बेसिक जानकारी लेते हैं। तो चलिए चलते हैं फर्स्ट चैप्टर में। प्राकृत संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं। तो प्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं, मतलब प्राकृतिक संख्याएं किन्हें कहते हैं, प्राकृतिक संख्याएं किन्हें कहते हैं। तो वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग करते हैं, जैसे वस्तुओं को काउंट करने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग करते हैं उन्हें वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे कोई भी वस्तु है उसको गिनते हैं, तो अपन एक से शुरू करते हैं, तो एक से, तो वास्तविक संख्याएं किससे शुरू होती हैं, एक से शुरू होती हैं। तो परिभाषा लिखो, वस्तुओं को गिनने के लिए, वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं का, जिन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, उन्हें क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो बताओ प्राकृतिक संख्या किन्हें कहते हैं, वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो प्राकृतिक संख्या कहां से शुरू होती है, एक से। प्राकृतिक संख्या कहाँ से होती है, एक, दो, तीन, चार, ऐसे डॉट डॉट अनंत तक। ये क्या है, अनंत। तो प्राकृतिक संख्याएं एक से शुरू होती है और अनंत तक जाती हैं। तो चलिए मैं आपसे पूछता हूँ, 3/7। तो मेरे प्यारे बच्चों, क्या 3/7 एक प्राकृतिक संख्या है, बताओ। तो आप लोग कहोगे कि नहीं सर, 3/7 प्राकृतिक संख्या नहीं है, क्योंकि हम कोई भी वस्तु गिनते हैं तो उसमें 3/7 नहीं लेते हैं। तो चलिए चलते हैं, बताओ 3.5, क्या 3.5 प्राकृतिक संख्या है, क्या 3.5 प्राकृतिक संख्या है। तो आप लोग कहोगे सर नहीं, 3.5 प्राकृतिक संख्या नहीं है। चलो बताओ 6/3, ये क्या प्राकृतिक संख्या है, 6/3 ये क्या प्राकृतिक संख्या है। तो आप लोग कहोगे यस सर, ये प्राकृतिक संख्या है, क्योंकि ये 3 से 6 को काट देंगे 2 बार, तो 2 तो एक प्राकृतिक संख्या है। हम कोई भी वस्तु गिनते हैं तो उसके दूसरे नंबर पर ही 2 आता है, जैसे 1 और 2, 1 और 2। तो आ गया होगा प्राकृतिक संख्या किन्हें कहते हैं, वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग करते हैं उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और प्राकृतिक संख्या ये हमेशा एक से शुरू होती है और अनंत तक होती है। चलो नेक्स्ट चलते हैं, चलिए बताओ सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है, क्या होती है, 1, क्योंकि हम गिनती 1 से ही स्टार्ट करते हैं, जैसे किसी भी वस्तु को काउंट करते हैं तो 1 से ही शुरू करते हैं, तो सबसे छोटी संख्या 1 होती है। यदि मैं आपसे पूछूं कि यदि एन प्राकृतिक संख्याओं का यदि प्रथम, या प्रथम और आ जाएगा, यदि प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करना है हमें, यदि प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करना है, तो इसका सूत्र होता है एन इंटू एन प्लस वन
अपॉन टू। तो यदि हमें प्रथम एन प्राकृतिक संख्या दे रखी हो तो उनका हमें योग ज्ञात करना है, तो उनका सूत्र होता है एन इंटू एन प्लस वन अपॉन टू। क्या होता है? एन इंटू एन प्लस वन अपॉन टू। दोबारा बोलेंगे, एन इंटू एन प्लस वन अपॉन टू। तो चलो एक क्वेश्चन करते हो। क्वेश्चन है हमारा, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करो। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा बताओ। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा? जल्दी जल्दी बताओ कितना होगा। तो प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या है, तो 10 एन का मान कितना हो जाएगा? 10। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग, तो सूत्र क्या है? एन इंटू एन प्लस वन अपॉन में 2। तो इसमें मान रखेंगे तो एन की जगह 10 अपॉन इंटू 10 प्लस 1 अपॉन 2 रख देंगे। अब इस 2 से इस 10 को काटेंगे, ये क्या है? 5 बार। तो क्या आएगा? 5 इंटू में 10 और 1 11। तो 11 को 5 से गुना करेंगे, 11 5 55। तो प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना आ गया? 55। चलो एक क्वेश्चन आप लोग करो। प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का योग, बताओ। प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा? प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का योग, तो इसको करते हैं जैसे 20 दे रखा है, सूत्र क्या होता है? एन इंटू एन प्लस वन अपॉन टू। तो इसमें रखेंगे तो 20 इंटू 20 प्लस 1 अपॉन टू। अब इसको हम 2 से काट देंगे, तो 2 एक हम 2, 2 10 बार कट गया। तो इसको क्या लिखेंगे? 10 इंटू 20 और 1 21, 21 अपॉन टू। अरे 200 काट दिया, तो 10 को 21 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 210। तो प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना हो गया? 210। आ गया समझ में? कोई भी प्राकृतिक संख्याओं से डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। चलो नेक्स्ट चलते हैं। प्राकृतिक संख्याओं के बाद आता है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं क्या कहते हैं? तो वे संख्याएं, यदि अगर प्राकृतिक संख्याओं के में यदि 0 को सम्मिलित कर दिया, या मतलब प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय या प्राकृतिक संख्याओं का जो परिवार है उसमें अगर हम 0 को सम्मिलित कर लेते हैं तो वे पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। मतलब प्राकृतिक संख्याओं में यदि अपन 0 को सम्मिलित कर लें, प्राकृतिक संख्या दे रखी है और उनमें अगर 0 को सम्मिलित कर लें तो पूर्ण संख्याएं कहलाती है। परिवार से लिखो, प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में 0 को सम्मिलित करने पर, सम्मिलित करने पर समुच्चय होता है, सम्मिलित करने पर जो समुच्चय होता है वे पूर्ण संख्या होती है।
पूर्ण संख्या होती हैं। तो प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में यदि हम जीरो को सम्मिलित कर लेते हैं तो पूर्ण संख्याएं प्राप्त होती हैं। जैसे पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, तो पूर्ण संख्या में क्या दे रखा है? प्राकृतिक संख्या है, तो प्राकृतिक संख्या लिख लेते हैं। जैसे 1, 2, 3, ऐसे प्राकृतिक संख्या अनंत तक के समुच्चय में यदि जीरो को मिला लिया जाए, किसको मिला लिया जाए? जीरो को सम्मिलित, तो इसको अपन जीरो लिख देते हैं। जीरो को सम्मिलित करने पर यह जो समुच्चय बनता है तो इसे क्या कहते हैं? वो पूर्ण संख्याएं कहते हैं। मतलब प्राकृतिक संख्या में यदि हम जीरो को सम्मिलित कर लेते हैं तो वो पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं। मतलब पूर्ण संख्या में तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी? चलो बताओ, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी? तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या जीरो होगी। क्या होगी? जीरो होगी। मैं आपसे पूछूं, क्या 3/7 पूर्ण संख्या है? क्या 3/7 पूर्ण संख्या है? तो आप लोग कहोगे नहीं सर, क्योंकि 3/7 पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि प्राकृतिक संख्याओं में ये 3/7 नहीं आता, और उसमें प्राकृतिक संख्याओं में हमने जीरो को मिलाया बस, तो 3/7 प्राकृतिक पूर्ण संख्या नहीं है। मैं पूछूं आपसे, 3/7.5, क्या ये प्राकृतिक पूर्ण संख्या है? 7.5, तो आप लोग कहोगे नहीं सर, ये 7.5 भी पूर्ण संख्या नहीं है, ये भी पूर्ण संख्या नहीं है। चलो बताओ, जीरो क्या पूर्ण संख्या है? क्या जीरो पूर्ण संख्या है? अरे सबसे छोटी संख्या ही पूर्ण जीरो है पूर्ण संख्याओं में, तो ये जीरो पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या है, समझ में आया? चलो उतारो, चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या है, तो पूर्णांक संख्या किन्हें कहते हैं? पूर्णांक संख्या किन्हें कहते हैं? तो यदि प्राकृतिक संख्याओं, यदि पूर्ण संख्याओं के समुच्चय में, यदि पूर्ण संख्याओं में या पूर्ण संख्याओं के समुच्चय में प्राकृतिक संख्याओं के ऋणात्मक मानों को, प्राकृतिक संख्याओं के ऋणात्मक मानों को सम्मिलित कर लें तो वो पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। परिभाषा लिखो, पूर्ण संख्याओं में यदि प्राकृतिक संख्याओं पूर्ण संख्याओं में यदि प्राकृतिक संख्याओं के ऋणात्मक मानों को के ऋणात्मक मानों को सम्मिलित कर लेते हैं, सम्मिलित कर लेते हैं, तो पूर्णांक संख्या कहलाती है। तो वे कौन से कहलाती हैं? पूर्णांक संख्या कहलाती है, पूर्णांक संख्या कहलाती है। क्या परिभाषा लिखी हमने? कि पूर्ण संख्याओं में यदि प्राकृतिक संख्याओं के ऋणात्मक मानों को सम्मिलित कर लेते हैं तो पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। तो पूर्ण संख्याएं जैसे, मतलब पूर्ण संख्याओं में, तो पूर्ण संख्या लिखते हैं, तो पूर्ण संख्या क्या है? जैसे 0, 1, 2, 3, ऐसे अनंत तक। तो ये तो है पूर्ण संख्या लिख ली। तो उसके बाद क्या कह रहा है कि यदि प्राकृतिक संख्याओं के ऋणात्मक मानों को, यदि प्राकृतिक संख्याओं के ऋणात्मक मानों को सम्मिलित कर लेते हैं तो प्राकृतिक संख्या है, तो प्राकृतिक संख्या के ऋणात्मक मान जैसे 1, 2, 3, तो -1, -2, -3, ऐसे -अनंत तक। तो ये क्या होगी? पूर्णांक
संख्याएं। पूर्ण संख्याओं में यदि प्राकृतिक संख्याओं के ऋणात्मक मानों को सम्मिलित कर लेते हैं तो पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। तो पूर्ण संख्याएं माइनस अनंत से और प्लस अनंत तक होती हैं। पूर्ण संख्या कहाँ से होती है? माइनस इन्फिनिटी से प्लस के इन्फिनिटी। तो माइनस इन्फिनिटी से माइनस एक, इनको क्या बोलते हैं हम? ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। और एक से और अनंत तक इनको क्या बोलते हैं? धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक संख्या। और इसको क्या बोलते हैं? जीरो को शून्य पूर्णांक, शून्य पूर्णांक। तो पूर्णांकों को जैसे तीन भागों में हमने बांट दिया है, जो माइनस की संख्या आती है तो उन्हें क्या कहते हैं? ऋणात्मक पूर्णांक, और जीरो को शून्य पूर्णांक, और एक से और इन्फिनिटी तक इनको क्या कहते हैं? धनात्मक पूर्णांक। क्या 7/6 पूर्णांक संख्या है? चलो बताओ, क्या 7/6 पूर्णांक संख्या है? आप लोग कहोगे सर नहीं, क्योंकि 7/6 पूर्णांक संख्या नहीं है। तो चलो ये समझ में आ गई होगी, क्लियर है? नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट संख्या आते हैं, नेक्स्ट लेते हैं सम संख्या। सम संख्या सम संख्या तो बताओ सम संख्या किसे कहते हैं? सम संख्या किसे कहते हैं? तो सम संख्या, तो सम संख्या तो वे संख्याएं जिनमें दो का पूरा पूरा भाग चला जाता है, सम संख्याएं कहलाती हैं। तो वे संख्याएं लिखो, बे संख्या है, बे संख्या है जिनमें दो का पूरा पूरा भाग चला जाता है, पूरा पूरा भाग चला जाता है, सम संख्याएं होती है। तो दो का पूरा पूरा भाग चला जाता है, उन्हें क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। तो सम संख्या कौन सी होती है? जैसे 2, 4, 6, 8, 10, नौ, ऐसे चलती रहती है। तो बताओ, चलो बताओ दो क्रमागत सम संख्याओं का अंतर कितना होगा? दो क्रमागत सम संख्याओं का अंतर, सम संख्याओं का अंतर, तो दो सम संख्याओं का अंतर कितना होता है बताओ? दो क्रमागत सम संख्याओं का अंतर कितना होता है? तो दो क्रमागत सम संख्याओं का अंतर हमेशा कितना आता है? दो। क्योंकि कोई भी क्रमागत संख्या ले लो आप, जैसे 4 और 6, तो 4 और 6, तो 6 में से 2, 4 घटाएंगे तो कितना आएगा अंतर? 2। कोई भी ले लो आप, जैसे 130 और 132, तो दो क्रमागत सम संख्या लेते हैं तो 132, तो अंतर इनका अंतर कितना आएगा? 2 आएगा। तो दो क्रमागत सम संख्याओं का अंतर हमेशा 2 आता है, समझ गए? दो क्रमागत सम संख्याओं का अंतर हमेशा 2 आता है। चलो बताओ बच्चों, बताओ दो क्रमागत सम संख्याओं का, दो क्रमागत सम संख्याओं का में से कितना होता है?
दो क्रमागत सम संख्याओं का में से कितना होता है? बताओ, दो क्रमागत सम संख्याओं का में से कितना होता है? तो दो क्रमागत सब जब कभी भी दो क्रमागत अगर सम संख्या दे रखी है तो उनका हमेशा में से भी दो ही आता है, उनका में से भी हमेशा दो ही आता है। दो क्रमागत सम संख्या हो, कोई सी भी दे रखी हो, उनका सम संख्याओं का में से कितना आता है? दो आता है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। जैसे आगे सम संख्या है, चलो बताओ, यदि मैं पूछूं आपसे कि प्रथम एन सम संख्याओं का योग, प्रथम एन सम संख्याओं का योग, प्रथम एन सम संख्याओं का योग, तो इसका सूत्र क्या होता है? एन एन टू एन प्लस वन। प्रथम सम संख्याओं का, प्रथम सम संख्याओं का योग अगर हमें ज्ञात करना है तो उनका सूत्र होता है एन एन टू एन प्लस वन। जैसे बताते हैं, जिस क्वेश्चन है प्रथम 10 सम संख्याओं का योग ज्ञात करो, सम संख्याओं का योग कितना होगा? प्रथम 10 सम संख्याओं का योग कितना होगा? तो बताओ, प्रथम सम संख्या 10 सम संख्या, तो 10 सम संख्या कौन कौन सी है? दो, चार, छः, आठ, 10, 12, 14, 16, 18 और 20 होगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 प्रथम 10 सम संख्या है। अब आप ऐसे जोड़ेंगे तो कितना है टाइम लगेगा? तो सूत्र है एन एन टू एन प्लस वन, तो कितनी है? 10। तो 10 इंटू 10 प्लस वन तो कितना आ जाएगा? 10 इंटू 11 बराबर कितना जाएगा? 110। तो प्रथम एन 10 सम संख्याओं का योग कितना आ गया? 110। वैसे जोड़ लो, चाहे 2 और 4 छः, 6 और 6 12, 12 और 8 20, 20 और 10 30, 30 42, 42 और 14 56, 56 और 16 56 10, 56 और 10 66, 66 और 6 72, 72 और 18 80, 90, 90 और 20 110। चलो एक और क्वेश्चन करो। यदि दे रखा है जैसे प्रथम 20 सम संख्याओं का योग ज्ञात करो, बताओ, प्रथम 20 सम संख्याओं का योग ज्ञात करो, बताओ जल्दी से जल्दी, प्रथम 20 से सम संख्याओं का योग ज्ञात करो। तो कैसे करेंगे? 20 दे रखा है तो 20 इंटू 20 प्लस 1 कितना आ गया? हाँ, 20 गुना 21 तो कितना आ गया? 21 दूना 42, 420 कितना आ गया? 420। तो प्रथम 20 सम संख्याओं का योग कितना आ गया? 420। तो आपको सम संख्या में समझ में आ गया होगा, कोई भी डाउट हो। चलो नेक्स्ट चलते हैं। अब हमारे नेक्स्ट कौन सी संख्या आती है? विषम संख्या है। तो विषम संख्या है, तो विषम संख्या किन्हें कहते हैं बताओ? अगला आता है विषम संख्या है। विषम संख्या, तो विषम संख्या कौन सी होती है? तो वे संख्या जिनमें दो का भाग नहीं जाता हो विषम संख्या कहलाती है, मतलब दो का पूरा पूरा भाग नहीं जाता हो उन्हें विषम संख्या कहलाती है। विषम संख्या
है, या पर मतलब दो से भाज्य नहीं हो, वे संख्या है जो दो से भाज्य नहीं हो वो विषम संख्या है कहलाती है। तो परिभाषा लिखो, वे संख्याएं जो दो से भाज्य ना हो, दो से भाज्य ना हो, विषम संख्या कहलाती है। वे संख्याएं जो दो से भाज्य ना हो कौन सी कहलाती है? विषम संख्याएं कहलाती है। तो विषम संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? जैसे एक, तीन, पांच, सात, नौ, 11, ऐसे चलती रहेंगे। तो विषम संख्या एक, तीन, पांच, सात, वे संख्याएं जिनमें दो का भाग नहीं जाता हो, दो का भाग नहीं जाता हो विषम संख्या कहलाती है। चलो नेक्स्ट, चलो बताओ सबसे छोटी विषम संख्या क्या होगी? सबसे छोटी विषम संख्या एक बताओ, एक बताओ। चलो दो क्रमागत विषम संख्याओं का मैं से क्या होगा? दो क्रमागत विषम संख्याओं का क्या हुआ? मैं से कितना होगा? तो बताओ सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी होती है और दो क्रमागत विषम संख्याओं का मैं से कितना होगा? तो सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी होती है? एक। कौन सी होती है? एक। और यदि दो क्रमागत विषम संख्याओं का मैं से पूछ लिया जाए, दो एग्जाम में अगर दो संख्याओं का, दो विषम संख्याएं उनका क्रमागत में, दो क्रमागत विषम संख्याओं का मैं से पूछा जाता है तो कितना होता है? हमेशा एक होता है। तो दो क्रमागत विषम संख्याओं का मैं से भी कितना होता है? एक होता है। नेक्स्ट देखते हैं, चलो बताओ दो यदि एन विषम संख्याओं का योग प्रथम एन विषम संख्याओं का योग, प्रथम एन विषम संख्याओं का योग, इसका सूत्र क्या होता है? प्रथम एन विषम संख्याओं का योग हमें ज्ञात करना है तो उसका सूत्र क्या होगा? तो उसका सूत्र होगा एन स्क्वायर। क्या होगा? एन स्क्वायर। प्रथम विषम संख्याओं, प्रथम एन विषम संख्याओं का योग हमें ज्ञात करना है तो उसका सूत्र क्या होता है? एन स्क्वायर। चलो क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन करो, प्रथम 10 विषम संख्याओं का योग बताओ, प्रथम 10 विषम संख्याओं का योग बताओ। तो प्रथम 10 विषम संख्याओं का योग तो क्या होता है? एन स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 100। प्रथम 10 विषम संख्याओं का योग कितना आ जाएगा? 100। बताओ 10 विषम संख्या कौन कौन सी होती है? जैसे एक, तीन, पांच, सात, नौ, 11, 13, 15, 17, 19, कितनी होगी? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ और 10। चलो इनको जोड़ते हैं, एक और तीन चार, चार और पाँच नौ, नौ और सात 16, 16 और नौ 25, 25 और 11 36, 36 और 13, 36 और 13 49, 49 और 15 कितने हो जाएंगे? 64, 64 और 17 कितने हो जाएंगे? 64 और 17 कितने हो जाएंगे? 81, और 81 और 19 कितने हो जाएंगे?
टोटल सौ। तो प्रथम 10 विषम संख्याओं का योग कितना हो गया, टोटल 100। चलो एक क्वेश्चन और पकड़ो। प्रथम आठ विषम संख्याओं का बता दो। चलो प्रथम आठ विषम संख्याओं का योग, प्रथम आठ विषम संख्याओं का योग कितना होगा, चलो बताओ। तो प्रथम आठ विषम संख्या है, तो प्रथम आठ विषम संख्या है एन स्क्वायर, तो एन का मान क्या है आठ, तो आठ का स्क्वायर कितना होगा, आठ और आठ 64। तो प्रथम एन आठ विषम संख्याओं का योग कितना आ जाएगा, 64। ये किसके समझ में आ गया, पूरा आ गया समझ में। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है, वे संख्याएं जिनमें एक वे स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग न जाए, तो उन्हें भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, कि एक वे स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग न जाए उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं, या फिर कि वे संख्याएं जिनके गुणनखंड करने पर दो आए, मतलब जो जिनका गुणनखंड करते हैं तो दो गुणनखंड हो उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे लिखो वे संख्याएं जिनमें एक वे स्वयं के अलावा, एक वे स्वयं वे संख्याएं जिनमें एक वे स्वयं के अलावा किसी का भाग न जाए, किसी का भाग नहीं जाए, न जाए, कौन सी कहलाती है, आवाज संख्या, आवाज संख्या। या फिर हम क्या क्या कह सकते हैं कि वे संख्याएं जिनके गुणनखंड दो हों, या वैसी संख्याएं, वैसी संख्याएं जिनके गुणनखंड हमेशा दो होते हैं, दो होते हैं, ऐसी बात, ऐसी संख्याएं जिनके गुणनखंड हमेशा दो होते हैं। तो चलो बताओ सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होगी, बताओ सबसे छोटी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या क्या होगी। यहां यह लिख लेना, एक को छोड़कर, एक को छोड़कर, एक को छोड़कर वे संख्याएं जिनमें एक वे स्वयं का अलावा किसी का भाग न जाए अभाज्य संख्या कहलाती है, या फिर वैसी संख्याएं जिनके गुणनखंड हमेशा दो होते हैं कौन से, अभाज्य संख्या कहलाती है। तो मेरे को बताओ कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी, दो होगी, सबसे छोटी अभाज्य संख्या दो होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या दो होती है।
नेक्स्ट, यदि एग्जाम में पूछ लिया जाए कि एक से 100 के बीच में, 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या होती है, कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो कितनी होती है एक से नौ के, एक से 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या होती है, आपको याद रखना है एग्जाम तक 25, 25, एक से 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या होती है 25। और यदि पूछा जाए एक से 50 तक के बीच, एक से 50 के बीच बीच में कितनी होती है, में कितनी आवाज संख्या होती है, एक से 50 तक के में 15 होती है, कितनी होती है एक से 50 तक के में 15 आवाज संख्या होती है। फिर कौन कौन से, देख, दो, तीन, पाँच, सात, क्या क्या 9 अभाज्य संख्या होगी, अभाज्य संख्या 9 होगी, नहीं, क्यों नहीं होगी सर, क्योंकि इसके गुणनखंड होते हैं 3 × 3 × 1, इसमें 3 का भाग पूरा पूरा चला जाता है, और हमारी परिभाषा क्या है कि बेस एक को छोड़कर बे संख्या जिनमें एक वह स्वयं के अलावा किसी का भाग नहीं जाए, तो एक का भाग जा रहा है और 3 का भी जा रहा है, तो स्वयं के अलावा 3 का जा रहा है भाग, तो कौन सी है ये संख्या, ये संख्या अभाज्य संख्या नहीं है, तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, क्या 25 अभाज्य संख्या होगी, क्या यहाँ पे मैं 25 लिखूं तो क्या 25 अभाज्य संख्या होगी, आप लोग कहोगे नहीं 25 अभाज्य संख्या नहीं होगी, क्योंकि इसमें 5 का पूरा पूरा 5 का भाग जाता है, और अभाज्य संख्याओं में स्वयं के और एक के अलावा किसी संख्या अन्य संख्या का भाग नहीं जाता। 23, 31, 37, 37 से पीछे क्या आएगा, 41, 43 और 47, क्या 49 अभाज्य संख्या होगी, क्या 49 अभाज्य संख्या होगी, नहीं 49 अभाज्य संख्या नहीं होती है, क्योंकि इसमें 7 का भाग जाता है, किसका भाग जाता है 7 का, तो 1 से 50 तक कितनी संख्या होगी, गिनो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15, तो 1 से 50 तक कितनी संख्या होती है अभाज्य संख्या 15 होती है, कितनी होती है 15। हम नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हमारा आता है भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं, तो भाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, वे संख्याएं जिनमें एक वह स्वयं के साथ साथ अन्य किसी और संख्या का भी भाग जाता हो, वे संख्याएं भाज्य संख्याएं होती हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि वे संख्याएं जिनके गुणनखंड 2 से अधिक हो वे भाज्य संख्याएं होती है। परिभाषा लिखो, जैसे बे संख्याएं, बे संख्याएं जिनमें, बे संख्याएं जिनमें एक वे स्वयं के साथ, एक वे स्वयं के साथ साथ, एक वे स्वयं के साथ साथ
अन्य संख्याओं का विभाग जाता हो, अन्य एक व स्वयं के साथ साथ अन्य संख्या का भी भाग जाता हो, भाग जाता हो। वे संख्या जिनमें एक व स्वयं के साथ साथ अन्य किसी संख्या का भाग भी जाता हो कौन सी कहलाती हैं? भाज्य संख्याएं होती हैं। अर्थात हम क्या कह सकते हैं कि वे संख्याएं जिनके गुणनखंड दो से अधिक हो, गुणनखंड दो से अधिक हो, क्या कह सकते हैं कि वे संख्याएं जिनके गुणनखंड दो से अधिक हो उन्हें क्या कहते हैं? भाज्य संख्याएं। तो बताओ सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी? सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी? तो सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है चार, क्योंकि चार का गुणनखंड करो, चलो बताओ दो इंटू दो इंटू एक, तो गुणनखंड कितने आ रहे हैं इसके? तीन, दो से अधिक आ रहे हैं। और वैसे एक बस स्वयं को छोड़कर किसका भाग जा रहा है? दो का भी जा रहा है। तो चार कौन सी संख्या है? भाज्य संख्या है। नेक्स्ट लिखो, आ गए समझ? नेक्स्ट देखते हैं, दो अभाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं को गुणा करने पर हमेशा भाज्य संख्या प्राप्त होती है, हमेशा भाज्य संख्या प्राप्त होती है। क्या लिख रहा है? दो अभाज्य संख्याओं को गुणा करने पर हमेशा भाज्य संख्या प्राप्त होती है। मतलब दो अभाज्य संख्या है उनको हमेशा आप गुणा करोगे, कोई भी अभाज्य संख्या है तो हमेशा भाज्य संख्या ही प्राप्त होती है। जैसे अभाज्य संख्या ले ली दो और तीन, दो इंटू तीन, तो आप इनको हमेशा गुणा करोगे या सरल करोगे तो कितना आएगा? अभाज्य संख्या ही प्राप्त होती है। जैसे दो को तीन से गुणा करेंगे तो छः, तो छः क्या है? एक भाज्य संख्या है। जैसे ले लिया पांच इंटू सात इंटू तीन इंटू दो, तो बराबर, तो सात पंद्रह पैंतीस, पैंतीस दूना सत्तर और सात दिया किस कितना जाएगा? दो सौ दस। तो क्या दिए? दो सौ दस क्या होगी? भाज्य संख्या। कौन सी होगी? भाज्य संख्या, क्योंकि ये सभी सारी अभाज्य संख्याएं हैं। तो अभाज्य संख्याओं को गुणा करते हैं, तो अभाज्य संख्याओं का गुणा करने पर हमेशा क्या प्राप्त होता है? भाज्य संख्याएं प्राप्त होती हैं। या फिर मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे कि भाज्य संख्याओं का, भाज्य संख्याओं के, मेरे प्यारे बच्चों इसको कैसे लिख सकते हैं? भाज्य संख्याओं के गुणनखंड करने पर, गुणनखंड करने पर हमेशा अभाज्य संख्याएं प्राप्त होती है, अभाज्य संख्या प्राप्त होती है। मतलब यदि भाज्य संख्याओं को अपन गुणनखंड करते हैं तो गुणनखंड करने पर हमेशा अभाज्य संख्या ही प्राप्त होती है। जैसे कोई भी भाज्य संख्या ले लो, जैसे अभी अपन ने 210 भाज्य संख्या है तो 210 ले ली, तो अपन इसके गुणनखंड करते हैं, तो गुणनखंड करते हैं तो इसमें दो का भाग देते हैं, तो दो एकम दो और जीरो, दो पंजे दस, अब कितने का जाएगा? अब चल जाएगा तीन का भाग चल जाएगा, तो तीन 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 नौ और तीन पंजे पंद्रह, अब कितना जाएगा? पाँच का,
तो पसंद है 35 और 7 का जाएगा फिर 7, तो इनके गुणनखंड क्या है, 2 × 3 × 5 × 7, तो 210 कैसी संख्या है, भाज्य संख्या। अब उस भाज्य संख्या के हमें अपन ने गुणनखंड के लिए 2 × 3 × 5 × 7, तो ये कैसी संख्या प्राप्त हुई, अभाज्य संख्या है, अभाज्य। तो यदि भाज्य संख्याओं के गुणनखंड मतलब भाज्य संख्याओं के गुणनखंड करने पर हमेशा अभाज्य संख्या प्राप्त होती है, मतलब अपन भाज्य संख्याओं के गुणनखंड करते हैं तो हमेशा अभाज्य संख्या ही प्राप्त होती है। आ गया समझ में? चलो आपको घर के लिए होमवर्क देते हैं। क्वेश्चन है, निम्न के गुणनखंड करो, 240, दूसरा है 310, तीसरा 450, तो इनके गुणनखंड आपको करके लाने हैं ये होमवर्क के लिए। तो बच्चों अगर क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना अगर चैनल पर नए हो, और वीडियो को शेयर करना अपने सारे फ्रेंड्सों के लिए। मिलते हैं अगली नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।